So in today's lecture, we will be dealing with two very important topics, right? These topics, they have already been asked in the examination previously in the form of 10 markers. तो पहले हम बात करेंगे कि what is commodity? जब मार्क्स कैपिटलिज्म में कमोडिटी की बात करते हैं तो उनका कंसेप्शन क्या है कमोडिटी का, राइट? एंड ही स्पेशली टॉक्स अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कमोडिटी फेटिशिज्म. अब कमोडिटी फेटिशिज्म जो आपका कॉमन सेंसिकल नोशन जो बोलता है, दैट इज ओनली वन एस्पेक्ट और वन फैसेट ऑफ व्हाट मार्क्स इज टॉकिंग अबाउट एज फार एज कमोडिटी फेटिशिज्म इज कंसर्न्ड. खाली उसका एक ही पहलू है, दिखाता है वो, जो आप मतलब अगर आप कॉमन सेंसिकल वे में जाओगे, इफ़ यू हैव नॉट रेड अबाउट कमोडिटी फेटिशिज्म और एक पर्सपेक्टिव से आप उसको लिखने जाओगे तो देन यू विल बी मिसिंग आउट ऑन द टेक्निकल कंसेप्ट ऑफ कमोडिटी फेटिशिज्म, राइट? एक टेक्निकल कंसेप्ट है ये और इसके पीछे मार्क्स अपना लॉजिक और आर्ग्यूमेंट्स देते हैं. सो विल बी टेकिंग अ लुक इन टू दोज लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट्स. इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि वट इज आइडियोलॉजी, राइट? आइडियोलॉजी इज अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सी, मैं आइडियोलॉजी को ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कार्ल मार्क्स ही कवर करूँगा. उसके बाद क्या है, लेटर थिंकर्स आए थे, राइट? मार्क्सिस्ट आए थे, जो मार्क्सिस्ट के फॉलोअर्स हैं, हु ऑल्सो टॉक्ड अबाउट आइडियोलॉजी, राइट? तो आइडियोलॉजी को मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या है, आई विल बी डीलिंग विद इट इन अ पार्शियल मैनर, राइट? हम खाली कार्ल मार्क्स देखेंगे क्या बोलते हैं एज फार एज आइडियोलॉजी इज कंसर्न. वेरियस अदर मार्क्सिस्ट ऑल्सो टॉक अबाउट आइडियोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, वेस्टरगार्ड एंड रसलर, दे टॉक अबाउट आइडियोलॉजी. और आपके जो क्रिटिकल थियोरिस्ट है, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट है, वो भी बात करते हैं आइडियोलॉजी की, राइट? हर्बर्ट मार्क्यूस, अडोर्नो, हॉर्कहाइमर, दे ऑल्सो टॉक अबाउट आइडियोलॉजी. दे टॉक अबाउट कल्चर इंडस्ट्री. इसके साथ साथ लुइस अल्थुज़र, ही टॉक्स अबाउट आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस एंड रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस, राइट? तो वो भी आइडियोलॉजी की बात करते हैं. तो आइडियोलॉजी स्पेसिफिकली दिस लेटर मार्क्सिस्ट क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट हम कवर करेंगे व्हेन वी विल बी डीलिंग विद पॉलिटिकल सिस्टम चैप्टर, राइट? वहाँ पे स्पेसिफिकली अलग से टॉपिक मैंशनड है आइडियोलॉजी का, राइट? तो अगर आपके का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में रिलेटेड टू आइडियोलॉजी, तो जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और प्लस वट एवर आई विल बी टीचिंग यू इन द पॉलिटिकल सिस्टम चैप्टर, दोनों को कंबाइन करके आपको क्या है, डिफरेंट डायमेंशन से मल्टी डायमेंशनल एक डाइवर्स आंसर लिखना पड़ेगा, राइट? कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखना पड़ेगा दोनों चीज़ों को मिला के. तो नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद कॉमोडिटी एंड कॉमोडिटी फेटिशिज्म. कॉमोडिटी एंड कॉमोडिटी फेटिशिज्म, हम दोनों कंसेप्ट देखेंगे, कॉमोडिटी क्या है और कॉमोडिटी फेटिशिज्म क्या है, और कार्ल मार्क्स इसे क्या पोर्ट्रे और प्रोजेक्ट करना चाहते हैं अपनी थ्योरी का यूज करके, ठीक? सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सी, हमने देखा था कि जो मैन है, मैन थ्रू हिज लेबर, अपने लेबर के थ्रू क्या है, वो नेचर को टैप करता है, राइट? नेचर को, नेचुरल वर्ल्ड आपको दिखता है या फिजिकल वर्ल्ड आपको आप दिखता है, और जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको टैप करता है, राइट? तो यहां से क्या करता है वो, अगर उसको प्रोडक्शन करना है, यहां से उसको रिसोर्सेज को टैप करना है, तो प्रोडक्शन में क्या है, हमने देखा था कि दो चीजें इन्वॉल्व होती है, वन इज फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रोडक्शन रिलेशंस. इनका यूज करके क्या, वो प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या है, वो नेचर को एक्सप्लॉइट करता है, राइट? नेचर के पोटेंशियल को टैप करता है. और यहां से, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से वो क्या करता है, ही विल बी प्रोड्यूसिंग, राइट? ही विल प्रोड्यूसिंग वेरियस थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स. Right, things and objects will be produced, right? And these will satisfy, right? These will satisfy. ये क्यों, किस लिए प्रोड्यूस करता है मैन, राइट? प्रोडक्शन में क्यों करता है, टू सो एज टू प्रोड्यूस दीज मटीरियल थिंग्स, दीज मटीरियल ऑब्जेक्ट्स और वेरियस गुड्स, राइट? सो दीज आर फ्रूट्स
और प्रोडक्ट्स ऑफ हिज लेबर, तो ये सेटिस्फाई करता है वेरियस नीड्स राइट वॉन्ट्स और डिजायर्स ऑफ मैन। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये हमने देखा था राइट ठीक है। नाउ ये जो गुड्स हैं राइट दीज आर फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, दीज आर फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर और ये क्या है नेचर के साथ इंटरेक्ट करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है राइट। तो ये जो थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स हैं राइट दीज आर यूज्ड फॉर ग्रेटिफिकेशन राइट, दीज आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, सो दीज आर यूज्ड फॉर सेल्फ यूज और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, या फिर आपने लेबर का यूज करके जो गुड्स और सर्विसेज जनरेट कर रहा है इंसान वो क्या है अपने फेलो मैन के साथ शेयर करेगा राइट। हम देखेंगे जब हम एलियनेशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि जब कार्ल मार्क्स लेबर की बात करते हैं तो जो नेचर ऑफ लेबर की बात करते हैं, लेबर का क्या नेचर और कैसा करेक्टर होना चाहिए राइट। सो देयर विल बी टॉकिंग अबाउट दैट लेबर इज लेबर से मैन अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है अपने लेबर में राइट, अपनी पर्सनैलिटी दिखाता है थ्रू दैट लेबर। और लेबर क्या इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी इमेजिनेशन पर्पस थॉट इंटेलेक्ट राइट। और खाली ह्यूमंस ही कॉन्शियस फॉर्म ऑफ लेबर कर सकते हैं, एनिमल्स नहीं करते हैं। तो वहां पे वो लेबर के थ्रू क्या है कार्ल मार्क्स ह्यूमन और एनिमल्स में भी डिफरेंशिएट करेंगे राइट। हम देखेंगे जब मैन विल बी स्टडिंग अबाउट एलियनेशन, तो सेल्फ यूज और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन या फिर फॉर अदर्स ऑल्सो राइट, ही विल बी शेयरिंग इट विद अदर्स। और यहां पर जब वो दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल रिलेशनशिप राइट, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल रिलेशनशिप और सोशल बॉन्ड्स। सो दिस इज द पर्पज ऑफ लेबर राइट। अब कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि ये जो सेल्फ यूज सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और कंजम्पशन पर्पज के लिए है, तो ये जो डिफरेंट गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं राइट, ये जो डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और ये क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं इसकी नीड्स और डिजायर्स को राइट। तो डिफरेंट गुड्स की क्या है डिफरेंट यूटिलिटी है राइट, डिफरेंट गुड्स की क्या है डिफरेंट यूटिलिटी है। और इसको लिए एक कार्ल मार्क्स एक टेक्निकल टर्म लेके आते हैं राइट, एक टर्मिनोलॉजी लेके आते हैं। तो बोलते हैं कि हर एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या होगी यूज वैल्यू होगी राइट, हाउ मच दिस ऑब्जेक्ट विच इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन लेबर हाउ मच इज इट वैल्यूड फॉर इट्स यूज राइट, उसकी यूज वैल्यू होगी। फॉर इंस्टेंस अगर फार्मर या बेकर ब्रेड प्रोड्यूस कर रहा है राइट, ब्रेड प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है, तो इसकी यूज वैल्यू आई एम रेफरिंग इट बाय दिस शॉर्ट टर्म यूवी, इसकी यूज वैल्यू या इसकी यूटिलिटी क्या होगी। इसकी यूज वैल्यू और यूटिलिटी ये होगी कि ये कौन सी नीड्स और कौन सी वॉन्ट्स और कौन सी डिजायर्स फुलफिल कर रहा है मैन की राइट। तो इसकी यूटिलिटी क्या है मैन के लिए, क्या है इट सेटिस्फाइज हंगर राइट, इट सेटिस्फाइज हंगर ठीक है। ऐसी ही अगर मैन प्रोडक्शन कर रहा है और शूज प्रोड्यूस कर रहा है राइट, तो ये जो ऑब्जेक्ट है शूज इसकी यूटिलिटी और यूज वैल्यू क्या होगी राइट तो ये क्या है इट प्रोटेक्ट्स आवर फीट, इट प्रोटेक्ट्स आवर फीट या फिर कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं ठीक है। नाउ कार्ल मार्क्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं कि व्हेन दीज थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड फॉर देयर यूटिलिटी एंड फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और इमीडिएट कंजम्पशन राइट, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और इमीडिएट कंजम्पशन के लिए अगर ये यूज किया जा रहा है ठीक है, तो वो उसकी यूज वैल्यू होगी राइट। तो यूज वैल्यू के लिए कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि यूज वैल्यूज के लिए सबसे पहले वो बोलते हैं कि दीज आर क्वालिटेटिव इन नेचर राइट। और ये स्पेसिफिकली दो फीचर्स इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि वो
इसको कॉमोडिटी, राइट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और अब वो टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे कॉमोडिटी, कॉमोडिटी की एक्सचेंज वैल्यू होगी, उसकी भी दो फीचर्स होंगी। नाउ ये दोनों फीचर्स आपस में क्या है, कॉन्ट्रास्ट होंगी, राइट, दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। तो यहां पे वो बोलते हैं इट इज, दिस इज क्वालिटेटिव इन नेचर, राइट, एंड क्वालिटेटिव इन द सेंस की हर एक जो प्रोडक्ट की कुछ क्वालिटी है, राइट, ठीक, क्योंकि डिफरेंट जो प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट विल हैव डिफरेंट क्वालिटी, राइट, बिकॉज क्या है, इट इज सेटिस्फाइंग डिफरेंट नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ मैन, तो डिफरेंट यूटिलिटी है हर एक उसकी, राइट। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड की क्वालिटी है कि उसकी इनहेरेंट क्वालिटी ऐसी कि इट विल सेटिस्फाई हंगर, सेटिस्फाई हंगर, राइट, तो स्पेशली दीज आर क्वालिटेटिव इन नेचर। इसको इसलिए प्रोड्यूस, इसको इसलिए कार्ल मार्क्स क्वालिटेटिव बोल रहे हैं क्योंकि जब एक्सचेंज वैल्यू की बात करेंगे तो बोलेंगे दीज आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। एक्सचेंज वैल्यूज जो कॉमोडिटी की बात करेंगे दैट इज, दैट आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, राइट। तो क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटम आ गया, क्वांट आ गया, राइट, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट कर सकते हैं उसके साथ, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट नहीं कर सकते हम। इसको फर्दर कॉन्ट्रास्ट के थ्रू ये ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। सेकेंड, ये जो डिफरेंट यूज वैल्यू है, राइट, ब्रेड की यूज वैल्यू क्या है, इट सेटिस्फाइज हंगर, शूज की यूटिलिटी यूज वैल्यू क्या है, इट प्रोटेक्ट स्पीड, राइट। सो दीज आर क्वालिटेटिव इन नेचर, सिंस दीज आर क्वालिटेटिव इन नेचर दीज आर इनकम्पेरेबल, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक, दोनों को आपस में क्या है, ब्रेड और शूज को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनकी डिफरेंट यूटिलिटी है। शूज, शूज क्या है, आपकी हंगर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, राइट, ऐसी ब्रेड आपकी फीट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट नीड्स और डिजायर फुलफिल करते हैं, डिफरेंट यूटिलिटी है और उनकी इनहेरेंट और इनबिल्ट क्वालिटी डिफरेंट है, और उनकी क्वालिटी डिफरेंट है, उनकी डिफरेंट यूटिलिटी है, डिफरेंट यूज वैल्यू है, राइट, तो दे आर इनकम्पेरेबल, राइट। सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से वो एक दूसरे के लिए यूज नहीं किया जा सकता, उनको आप शूज को एक्सचेंज नहीं कर सकते ब्रेड के लिए, राइट। अब शूज और ब्रेड को क्या है, शूज और ब्रेड को एक्सचेंज नहीं कर सकते, एक्सचेंज इन द सेंस कि अगर यूटिलिटी और यूज वैल्यू से ही देखते हैं तो एक्सचेंज इन द सेंस कि ब्रेड जो है वो आपका फीट प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, राइट, अगर उसको आप इमीडिएटली यूज करोगे तो एक्सचेंज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, राइट, बिकॉज दीज आर क्वालिटेटिव इन नेचर। अब कार्ल मार्क्स इंट्रोड्यूस करते हैं कंसेप्ट को, उसको वो बोलते हैं कॉमोडिटी। सी, कॉमोडिटी एक मिसकंसेप्शन ये है कि कॉमोडिटी जब कार्ल मार्क्स बात करते हैं तो स्पेसिफिकली दैट रिलेट्स टू कैपिटलिज्म, राइट। कॉमोडिटी डेफिनेटली रिलेट्स टू कैपिटलिज्म, राइट, लेकिन उससे प्रीवियस मोड्स ऑफ प्रोडक्शन से भी रिलेटेड है, राइट, लेकिन उसकी जो एक अग्रेसिव फॉर्म है वो उसने कैपिटलिज्म के अंडर वो क्या है, वो अपनेसिव फॉर्म, अग्रेसिव फॉर्म अपनाई है। तो वट इज कॉमोडिटी, वट इज कॉमोडिटी, राइट, कॉमोडिटी क्या है, ये यही चीज है, राइट, दीज थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स और गुड्स, राइट। सो द ऑब्जेक्ट्स और गुड्स और फ्रूट ऑफ लेबर ऑफ मैन, राइट, जो मैन ने लेबर किया है उससे जो गुड्स और ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, राइट, दीज थिंग्स, ठीक, जब वो, व्हेन दीज आर रिजर्व्ड, राइट, व्हेन दीज आर Reserved or meant to be sold in the market, or meant to be sold in the market, right? जब इंसान अपना लेबर कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, ये थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, वेरियस गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये गुड्स क्या है, दीज आर नॉट मेंट फॉर हिज सेल्फ कंजम्पशन, राइट, हिज इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन
और सेल्फ कंजम्पशन और सेल्फ यूज के लिए नहीं है, राइट। रादर दीज कॉमोडिटीज आर मेंट और दे आर रिजर्व्ड टू बी सोल्ड इन द मार्केट, राइट। तो मार्केट में दीज आर मेंट टू बी सोल्ड और मेंट टू बी एक्सचेंज्ड इन द मार्केट, आइदर एक्सचेंज होगा और दे विल बी सोल्ड, राइट। ठीक है। तो मैन अपने लेबर का यूज करके क्या है, मैन अपने का लेबर का यूज करके प्रोड्यूस अपने लिए नहीं कर रहा है, नॉट फॉर सेल्फ और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कर रहा, रादर दिस लेबर इज कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट रूलिंग क्लास, राइट। और ये जो प्रोडक्ट आएगा, राइट, दिस इज मेंट फॉर मार्केट में बेचने के लिए है, राइट। तो जैसे ही वो मार्केट में बेचने के लिए उसका पर्पस होगा, इट मींस कि वो जो प्रोडक्ट है, दैट प्रोडक्ट हैज बिकम अ कॉमोडिटी। सो दिस इज द डिफरेंट बिटवीन एन ऑब्जेक्ट, गुड्स और अ कॉमोडिटी, राइट। तो जो वो मार्केट में कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि हर एक प्रोडक्ट की क्या है, इसकी हर एक कॉमोडिटी की एक एक्सचेंज वैल्यू होगी। नाउ एक्सचेंज वैल्यू का क्या मतलब है, राइट। सी मार्केट में क्या है, एक कॉमोडिटी नहीं होगी, डिफरेंट कॉमोडिटीज होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल यही चीज होगी आपका ब्रेड और शूज, राइट। ब्रेड प्रोड्यूस की और ब्रेड फार्मर को सोल्ड करनी है और फार्मर को क्या है, शूज खरीदने हैं मार्केट में जाके, राइट। तो वो मार्केट में जाके क्या है, ब्रेड के बदले शूज एक्सचेंज कर सकता है। ये जब हम मान रहे हैं जब बार्टर सिस्टम है, मनी सिस्टम जो आएगा, मनी विल बी अ फैसिलिटेटर और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो उससे एक्सचेंज और बढ़ेगा, राइट। ठीक। तो ब्रेड को एक्सचेंज करना आपको शूज के साथ, राइट। अब यहां पे क्या है, या फिर आपको ब्रेड जो मार्केट में क्या है फार्मर सोल्ड करना चाहता है, उसके लिए पैसे उठाएगा, वो मनी उठाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉमोडिटी, यहां पे वो मनी उठाएगा और फिर इसको फिर से इस मनी का यूज करके फिर से कॉमोडिटी खरीदेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ब्रेड जो है वो कोई कैपिटलिस्ट बेचे तो उसमें एमसीएम मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा, राइट। तो यहां पे क्या होगा, सी ब्रेड की और शू की क्या होगी, एक्सचेंज वैल्यू होगी मार्केट में, राइट। एंड दिस एक्सचेंज वैल्यू यहां पे क्या होगी, क्वांटिटेटिव होगी, राइट। दिस इज क्वांटिटेटिव। सेकेंड, दीज आर कंपेरेबल, राइट। सो दीज आर क्वालिटेटिव एंड इनकम्पेरेबल, वेयर एज एक्सचेंज वैल्यूज आर क्वांटिटेटिव एंड कंपेरेबल, कंपेयर कर सकते हो आपस में। क्वांटिटेटिव मतलब इसके साथ कोई ना कोई क्या है, क्वांटम है इसका, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच्ड है, राइट। फॉर इंस्टेंस हम ये मान सकते हैं कि अगर फार्मर 20 पैकेट्स ऑफ ब्रेड के बदले 20 पैकेट्स ऑफ ब्रेड के बदले क्या है, वन पेयर ऑफ शूज ले सकता है, राइट। ठीक है। तो एक्सचेंज वैल्यू शूज की क्या है, 20 टाइम्स है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ब्रेड। नाउ अगर इसमें मनी आ गया तो मनी फैसिलिट करेगा एक्सचेंज को और भी ज़्यादा। तो मनी के टर्म्स हम मान सकते हैं कि ब्रेड का प्राइस है 40 रुपीज और शूज का प्राइस है 800, राइट। सो 40 × 20 पैकेट्स ऑफ ब्रेड इज इक्विवेलेंट टू द प्राइस ऑफ शूज, दैट इज 800। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज वैल्यू, दिस इज क्वांटिटेटिव, सिंस दिस इज क्वांटिटेटिव हम न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच कर सकते हैं, तो आपस में दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। आपको क्या है, 20 पैकेट्स ब्रेड चाहिए होंगी इन ऑर्डर टू एक्सचेंज इट विद वन पेयर ऑफ शूज, राइट। सो दिस इज कॉमोडिटी। अब कॉमोडिटीज क्या है, कॉमोडिटीज आर मेंट टू बी सोल्ड इन द मार्केट, राइट। दीज आर नॉट फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन। अगर इसको सोल्ड और एक्सचेंज करना है तो उनकी क्या, कुछ न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव वैल्यूज होनी चाहिए, उनकी क्वांटिटेटिव फीचर्स होनी चाहिए, राइट। क्योंकि वो सेल्फ यूज के लिए नहीं है तो उसका क्वालिटेटिव पर्पज नहीं है। सिंस दे आर मेंट टू बी सोल्ड इन द मार्केट, एक कुछ कॉमन क्राइटेरिया होना चाहिए जिसकी बेसिस में उनको कंपेयर कर सकें, राइट। उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी, तो जो कॉमन क्राइटेरिया उसकी वजह से उसकी वैल्यू डिटरमाइन होगी, राइट। नाउ हाउ इज द वैल्यू ऑफ अ कॉमोडिटी डिटरमाइंड, हाउ इज द वैल्यू
of a commodity determined. Right. तो हम यहां पे पूरा खाली ये जो है whatever I have written on the board till now, right? और जो भी मैं लिखूंगा before the next slide you could say, or before the next thing that I will be explaining while after clearing the board, right? तो अभी आपका commodity ही चल रहा है. commodity का conception क्या है, right? Exchange value और use value में क्या difference है, ऑब्जेक्ट और कॉमोडिटी में क्या डिफरेंस है, और कॉमोडिटी की एक्सचेंज वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी, राइट? तो यहां पे क्या है, कार्ल मार्क्स गिव्स लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू. इस लेबर थियरी ऑफ वैल्यू का यूज करके क्या है, कॉमोडिटी की कितनी वैल्यू है मार्केट में वो डिटरमाइन होगी, राइट? तो ये थियरी सबसे पहले किसने दी थी, इट वॉज गिवन बाई द इकोनॉमिस्ट ऑफ द टाइम, राइट? हमने देखा था 18th सेंचुरी में आपके एडम स्मिथ थे, आफ्टर दैट रिकार्डो केम. सो एडम स्मिथ रिकार्डो, राइट, दे वर द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, और इसी को क्या है, कार्ल मार्क्स ने भी इस थियरी को अडॉप्ट किया, राइट? अगर लेबर थियरी ऑफ वैल्यू है तो उसके मेनली तीन प्रोपोनेंट्स है, एडम स्मिथ, रिकार्डो और कार्ल मार्क्स का भी इसमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, राइट? सो कार्ल मार्क्स वाज नॉट जस्ट अ सोशियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट, ही वाज एन इकोनॉमिस्ट एज वेल, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कैपिटलिज्म, वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्वड, राइट, सिस्टमैटिकली, राइट, ऑब्जेक्टिवली, सो दैट वो थ्रू डेटा ऑब्जर्वेशन क्या है, उसके इविल नेचर को क्या है, एक्सपोज कर पाए. नाउ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या बोलती है, सी लेबर थ्योरी क्या ऑफ वैल्यू बोलती है, कि जो कोई कॉमोडिटी है, राइट, कॉमोडिटी की वैल्यू मार्केट में, डिफरेंट कॉमोडिटीज की वैल्यू मार्केट में कैसे डिटरमाइंड होगी, राइट, वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू. तो एक कॉमन क्राइटेरिया होना चाहिए जिसकी वजह से आपस में इन कॉमोडिटीज की वैल्यू असाइन कर सके और इनको आपस में कंपेयर कर सके, राइट, क्वांटिटेटिवली. तो ये क्राइटेरिया है, दिस इज नथिंग बट लेबर. हाउ मच लेबर यू आर पुटिंग इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर दिस पर्टिकुलर कॉमोडिटी, राइट, उससे उस कॉमोडिटी की वैल्यू डिटरमाइन होगी, राइट? तो यहां पे स्पेसिफिकली कार्ल मार्क्स बोलते हैं लेबर मतलब सोशली नेसेसरी लेबर टाइम put in, right, socially necessary labor time put in production of commodities, right, कितना time लग रहा है उन commodities को produce करने में, in production of commodities will determine their exchange value in the market. राइट, अब इससे क्या मतलब है, बट इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है, सोशली नेसेसरी लेबर टाइम. सी कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि कॉमोडिटी की वैल्यू क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम दैट वाज यूज्ड बाय लेबर इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट. राइट, वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. नाउ सोशली नेसेसरी लेबर टाइम क्या है, अब इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं, मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल देयर इज सम मैन्युफैक्चरर, और कोई भी है प्रोड्यूसर या आर्टिजन है, कोई भी है, वो प्रोड्यूस कर रहा है और वो टाइम ज़्यादा ले रहा है, बहुत ज़्यादा ले रहा है इसको प्रोड्यूस करने में. दूसरा जो आर्टिजन है उसी को प्रोड्यूस करने में कम टाइम में कर रहा है, राइट, रिलेटिवली लेसर टाइम ले रहा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा टाइम ले रहा है तो ये जो कॉमोडिटी बनाएगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और ये कम टाइम ले रहा है इसकी कॉमोडिटी वैल्यू कम होगी, राइट? यहां पे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि वो जो इकोनॉमी है उसमें कुछ इसका मीडियन आएगा, राइट, टाइम का कुछ मीडियन और एवरेज आएगा, इजंट इट,
मतलब एवरेज अगर हम देखेंगे ओवरऑल कि सोशली नेसेसरी, सोशली कितना टाइम लगता है नेसेसरी उसको प्रोड्यूस करने में, राइट right? हम इंडिविजुअलिस्टिक नहीं, उसको एक एवरेज, मीडियन और एक सोशल टर्म में देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर इन सब का टाइम कंपेयर कर दे तो एवरेज कितना टाइम लगता है उसको प्रोड्यूस करने में, राइट right? तो ये जो टाइम है, दिस टाइम विल बी फैक्टर इन. तो इसी को बोला गया है सोशली नेसेसरी लेबर टाइम पुट इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज दैट विल डिटरमाइन देयर एक्सचेंज वैल्यू इन द मार्केट, राइट. ठीक, अब ये तो हो गया टाइम का कंसेप्ट. देन यू विल बी आस्किंग अबाउट स्किल्स कि जो ज्यादा स्किलफुल होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए लेबर की. तो उस टाइम पे क्या है, ऐसा स्किल्स मतलब ज्यादातर मैनुअल लेबर यूज होता था, राइट. उस टाइम पे मैनुअल लेबर यूज होता था. व्हेन कार्ल मार्क्स इज राइटिंग और दीज पीपल दे आर गिविंग देयर थियरी, तो वहां पे ब्लू कॉलर वर्कर्स ज्यादा थे, राइट. ब्लू कॉलर वर्कर्स ज्यादा थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, मैनुअल लेबर और मशीन्स को ऑपरेट करने में, और इट रिक्वायर्स ऑलमोस्ट सेम सेट ऑफ स्किल्स, राइट. तो एवरेज स्किल्स लेके चल रहे हैं और इसी का यूज करके वो कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट. तो टाइम, आई होप यू आर एबल टू, क्योंकि जितना टाइम लगेगा दिस इज बीइंग थॉट ऑफ कि उस कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, इट मींस क्या है, उसमें क्या है, ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट कॉमोडिटी. तो अगर यहाँ पे 20 पैकेट्स ऑफ ब्रेड इज इक्वल टू 1 पेयर ऑफ शूज, नाउ इसके लिए कॉमन क्राइटेरिया क्या होगा, मैट्रिक क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा, क्राइटेरिया, मैट्रिक और पैरामीटर क्या होगा इसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, लेबर, राइट. तो इसका मतलब ये है कि 1 पेयर ऑफ शूज को प्रोड्यूस करने में, अगर एक पैकेट को ब्रेड ऑफ 1 पैकेट ऑफ ब्रेड को प्रोड्यूस करने में 1 घंटा लग रहा है, तो 1 पेयर ऑफ शूज को प्रोड्यूस करने में 20 घंटे लगेंगे, तभी इसकी वैल्यू 20 टाइम्स होगी इसके, राइट. तो कॉमन मैट्रिक ये था, ठीक. लेकिन ये जो थ्योरी है, राइट, आपके मन में काफी सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन ये थ्योरी अभी डिस्कार्ड हो चुकी है, राइट. इकोनॉमिक्स से दिस थ्योरी इज डिस्कार्डेड. जो प्राइसेस है कमोडिटी का, वो इट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, राइट. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ब्रांड की बात करते हैं, राइट, एक शूज बनाने की बात करते हैं, तो एक ब्रांड है, राइट, एक चीपर ब्रांड है, वो शूज बना रही है, वो 500 रुपीज का होगा, राइट. एक जो दूसरी ब्रांड है शूज, उनका फंक्शनैलिटी तो सेम ही है, राइट. तो टाइम भी सेम लगेगा शूज़ को बनाने में, ऐसा नहीं कि जो चीपर शूज़ है वो कम टाइम में बनेंगे. अगर 500 रुपये के हैं और 5000 के मान लो रिबॉक और नाइकी ये शूज़ हैं, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि उसमें 500 इसमें 5000 इसमें, तो उसमें 10 आवर्स ज़्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. उसकी ब्रांड वैल्यू है, राइट, उसकी डिमांड ज़्यादा मार्केट में, ठीक, इसीलिए. और सिमिलरली इसी शूज़ को, कोई पर्टिकुलर शू को मान लो रोनाल्डो ने पहने होंगे, राइट, या मैसी ने पहने होंगे, तो उन्हीं की वैल्यू 5000 की जगह, राइट, 5 करोड़ की होगी. तो इट हैज टू डू विद द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड दैट विल डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. तो दिस थियरी हैज बीन डिस्कार्डेड. लेकिन कार्ल मार्क्स कहना क्या चाह रहे हैं इससे, राइट, कि जो कॉमोडिटी है उसका प्राइस डिटरमाइन करता है बाय लेबर, राइट, कितना टाइम लग रहा है, और टाइम वॉज लिंक्ड टू एफर्ट, उतना ही एफर्ट लग रहा होगा, राइट, एवरेज स्किल्स के साथ. तो आई होप दिस इज क्लियर. और प्लस दिस थ्योरी इज नॉट ऑल्सो वैलिड बिकॉज आज के टाइम पे स्किल सेक्टर का राइज हो रहा है, राइट. टर्शरी और क्वार्टिनरी सर्विसेज, और टर्शरी और क्वार्टिनरी सेक्टर वी टॉक अबाउट, तो वहां पे निश स्पेशलाइजेशन है, तो जिसकी स्किल्स बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हैं और हाई डिमांड में हैं, तो अगर उसको अपना काम करने में टाइम भी कम लग रहा है, तो इसके इंस्पाइट ऑफ दैट उसकी क्या है, उसकी कमोडिटी और उसकी सर्विसेज की वैल्यू ज़्यादा होगी मार्केट में, राइट. बट यहाँ पे क्या है, दिस इज यूज वैल्यू, दिस इज एक्सचेंज वैल्यू, एंड दिस इज हाउ द वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू इज डिटरमाइंड, राइट, इन द मार्केट, राइट. दिस इज मार्क्स कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज कमोडिटी. अब हम पढ़ेंगे, अगर हमने कमोडिटी पढ़ लिया, कमोडिटी समझ लिया, देन इट इज इजियर फॉर टू अस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कमोडिटी फेटिसिज्म, राइट. सो नाउ वी विल डील विद द कंसेप्ट ऑफ कमोडिटी फेटिसिज्म. सी, इससे डील करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. सी, अभी तक हमने बात की कमोडिटी की, और मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि अगर आप यहां से नोट्स बना रहे तो कैसे बना सकते हैं. I have already talked about in one of the videos, right, the strategy or approach वाला video.
बट मैं इसको फिर से एक तो बार दोहराना चाहूंगा या फिर इसमें फिर से एम्फसाइज करना चाहूंगा। सी एक तो ये है पॉसिबिलिटी है कि जो भी मैं लिख रहा हूँ आप साथ के साथ लिखते जाओ, वट एवर आई वॉज एक्सप्लेनिंग राइट, यू कुड राइट दैट डाउन, मेक रनिंग नोट्स काइंड ऑफ थिंग राइट, विच आई पर्सनली प्रेफर। या सेकेंड चीज आप यूज कर सकते हो कि आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आई टॉक्ड अबाउट सर्टेन थिंग राइट, दैट फर्स्ट सबसे पहले मैंने बात किया था कि लेबर मैन मिक्स इज लेबर विद नेचर राइट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कॉमोडिटीज फॉर हिज सेल्फ ग्रेटिफिकेशन सेल्फ कंजम्पशन राइट, दैट इज वन बुलेट पॉइंट। तो ऐसे क्या है पिछले जो मैंने पढ़ाया है उससे अराउंड आप 10-12 बुलेट पॉइंट्स क्या है उसमें इसको रिड्यूस कर सकते हो राइट, पूरे के पूरे चीज को आप 10-12 बुलेट पॉइंट्स 3-4 लाइनर्स में उसको रिड्यूस कर सकते हो। ये एक अच्छी अप्रोच है, ये भी अच्छी अप्रोच है बिकॉज इससे क्या आपको रिविजन करने में आसानी होगी राइट, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तीसरा ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल आई टॉक्ड अबाउट थ्री डायमेंशंस राइट, आई टॉक्ड अबाउट यूज वैल्यू द थिंग द ऑब्जेक्ट, आई टॉक्ड अबाउट एक्सचेंज वैल्यू राइट अनदर थिंग, देन आई टॉक्ड अबाउट लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। तो आप ऐसा कर सकते हो कि लगभग मैंने अराउंड 30 मिनट्स आई यूज द टाइम ऑफ अराउंड रफली 30 मिनट्स टू डील विथ थ्री कंसेप्ट राइट, तो अराउंड मैंने 10 मिनट्स लगाए हैं एक कंसेप्ट को समझाने में राइट। फॉर एग्जाम्पल यूज वैल्यू, तो आप यूज वैल्यू का हेडिंग डाल के आपने जो भी समझा है उसको आप एक शॉर्ट पैराग्राफ में राइट, एक शॉर्ट पैराग्राफ फॉर एग्जाम्पल अगर उसको 6-7 लाइन्स में आप एक्सप्रेस कर पाओ या 8 लाइन्स में एक्सप्रेस कर पाओ वैसा हो सकता है। तो तीन डायमेंशन के लिए आप 3 पैराग्राफ्स यूज कर सकते हो अराउंड 8 लाइन और 9 लाइन्स का, जैसे भी आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं राइट, तो अलग अलग सब हेडिंग्स हो जाएंगी। तो बहुत सारे यू कुड से देयर आर मेनी अप्रोचेज इन फॉर मेकिंग नोट्स, और आप उसमें क्रिएटिविटी यूज कीजिए राइट। यू पीपल वर आस्किंग मी हाउ टू मेक नोट्स, सो इट डिपेंड्स ऑन यू, यू शुड बी स्मार्ट इनफ राइट, बिकॉज वो स्मार्टनेस ही अल्टीमेटली डिसाइड करता है। सी हार्ड वर्क इज अनेसेसरी, वो तो पूरा बेडरॉक है आपका, उसके ऊपर द डिसीजंस राइट, द थॉट प्रोसेस दैट यू आर यूजिंग, द स्मार्टनेस और डिसीजंस कैसे आप चीजों को कैसे कंसोलिडेट कर रहे हो दैट डिपेंड्स ऑन यू राइट। सो दैट अल्टीमेटली विल इन्फ्लुएंस योर सिलेक्शन एज वेल राइट। सो आई वॉन्ट यू बी टू यूज दिस कॉमन सेंसिकल अप्रोच, अपना ही एक इनिशिएटिव लेके चीजों को थोड़ा सा डील करने की कोशिश करो राइट। सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट कॉमोडिटी फेटिसिज्म। नाउ वट इज सी कॉमोडिटी फेटिसिज्म वर्ड आया है, यूज आया है, ये वर्ड का यूज आया है कार्ल मार्क्स ने उठाया था रिलीजन से राइट। सो हमने ऑगस्ट कॉम के में भी जब देखा था, हमने देखा था कि उसमें हमने फेटिसिज्म के थोड़ा सा वी टुक अ लुक इन फेटिसिज्म राइट। सो इज्म जहाँ भी आ जाता है वी नो दैट इट इज अ काइंड ऑफ अ बिलीफ राइट, इट इज अ काइंड ऑफ अ बिलीफ। तो ये जो कॉमोडिटी फेटिसिज्म कंसेप्ट उठाया है ये कार्ल मार्क्स ने रिलीजन से उठाया है राइट, रिलीजन से उठाया है। तो फेटिसिज्म क्या बिलीफ है राइट, इट इज अ बिलीफ राइट हेल्ड बाय पीपल। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं फेटिसिज्म एज अ फॉर्म ऑफ रिलीजन की, वी आर नॉट स्टिल टॉकिंग अबाउट कॉमोडिटी फेटिसिज्म। हम एक मैं कंसेप्ट समझाऊंगा यहीं से डिराइव हो रहा है कि कॉमोडिटी फेटिसिज्म का मतलब क्या हुआ राइट, विच इज इकोनॉमिक कंसेप्ट। तो यहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस वाला कंसेप्ट, व्हाट इज आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपली अबाउट व्हाट इज फैटिसिज्म राइट। तो इट इज अ बिलीफ राइट, इज अ आइडियोलॉजी आ गई राइट, आइडियोलॉजी इट इज अ काइंड ऑफ अ बिलीफ सिस्टम राइट, रिलीजन इज अ काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम, हमने पढ़ा था व्हेन वी टॉक्ड अबाउट डॉर्कहाइम राइट। तो बिलीफ नाउ दिस इज अ बिलीफ हेल्ड बाय, दिस इज अ बिलीफ हेल्ड बाय पीपल, belief held by people right, that inanimate objects right, those are without anima, animism padhate, those are without anima, without any soul or spirit right, non living things, inanimate objects possess राइट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यहीं से निकल के आएगा बिकॉज कॉमोडिटी क्या है, कॉमोडिटी इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट।
So that is why I have to first talk about this religion. That inanimate objects possess supernatural powers. Supernatural powers and mysterious qualities. Right? तो ये क्वालिटी है इसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में. दे पोजेस सुपर नेचुरल पावर, दे पोजेस गॉड लाइक पावर्स, राइट? दे आर इक्वेटेड विद गॉड. दे पोजेस मिस्टीरियस क्वालिटीज, दिस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, राइट? सो मैन वर्शिप दिस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एंड दिस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, राइट, दे हैव कंट्रोल over man's actions and belief, right? अब inanimate object से for example कि अगर आपने देखा जब हम बात कर रहे थे totem की, totem में क्या है, अरुणता tribe क्या करता था, हमने देखा था कि स्टोन के किसी स्ट्रक्चर पे और वुड के किसी स्ट्रक्चर पे क्या है, उस टोटम को कार्व आउट किया जाता था, और इस स्टोन और वुड के स्ट्रक्चर को, राइट, इस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को क्या है, वर्शिप किया जाता था, राइट? इसको हमने क्या बोला था वहां पे, चुरिंगा. राइट? या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई डिफरेंट रिलीजन्स है, वो ऐसी फिगर्स कार्व आउट करते हैं, राइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स कार्व आउट करते हैं. मैन इज कार्विंग आउट दीज ऑब्जेक्ट्स, राइट, और मैन इन टर्न इज वर्शिपिंग दोज ऑब्जेक्ट्स, राइट? तो सिमिलरली हिंदुइज्म में क्या है, आइडल्स, इंसान ही आइडल्स बनाता, देन इंसान इज वर्शिपिंग दोज आइडल्स, राइट? एंड सिमिलरली अगर आप ताबीज देखो फेटिसिज्म में, और क्या है ताबीज, राइट, ताबीज क्या है, मैन बना रहा है, राइट, मैन ताबीज बना रहा है, राइट, कोई पीर बाबा या फिर कोई भी डिफरेंट कोई भी बंदा होगा, वो ताबीज बनाएगा, राइट? दिस इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, और वो पहनेगा इंसान, और उसको लगेगा कि इसमें कुछ मिस्टीरियस क्वालिटीज हैं, दिस विल प्रोटेक्ट मी राइट फ्रॉम इविल, फ्रॉम एनीथिंग विच इज evil, राइट? इविल आई से बचाएगा या बुरी नजर से बचाएगा, मतलब, राइट? तो दिस इज फेटिसिज्म, राइट? अब कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि इनको बनाया किसने, राइट? सी, कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि इनको बनाया किसने, इंसान ने. दिस इज द मैन हु क्रिएटेड दिस प्रोडक्ट्स, राइट? इट इज अ क्रिएशन ऑफ मैन, राइट? कार्ल मार्क्स का मेन कंसेप्ट क्या है, दिस इज क्रिएशन ऑफ मैन, राइट? और फिर मैन क्या करता है कि इसकी, ये जो ऑब्जेक्ट्स वो बना रहा है, उनकी खुद की ही एक अलग से एग्जिस्टेंस है, राइट? उनका अलग से एक डोमेन है, रियल्म है, राइट? दे हैव सेपरेट. मैन बिलीव्स कि दिस द सुपर नेचुरल, दिस ऑब्जेक्ट्स दैट मैन क्रिएटेड, दे पोजेस सुपर नेचुरल पावर्स एंड मिस्टीरियस क्वालिटीज, और उनको क्या है, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट, राइट, भगवान की मैन बना रहे, लेकिन इंसान क्या सोचता है कि भगवान की क्या अलग से ही एग्जिस्टेंस है, और वो मैन को क्रिएट कर रहे हैं, राइट? वो मैन को क्या है, कंट्रोल कर रहे हैं मैन्स के एक्शंस और बिलीव्स को, राइट? दे पोजेस कंट्रोल और दे पोजेस दे पावर ओवर मैन, राइट? लेकिन बना मैन ही रहा है इनको, राइट? और ये फिर मैन सोचता है कि ये कुछ अलग ही चीज है, इनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस है, राइट? सो दिस इज वट मार्क्स इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे, और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ये आपका यूज होगा कॉमोडिटिव फेटिसिज्म, राइट? सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस, राइट? सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव, और इस इज एक्सटर्नल टू मैन. तो भगवान क्या है, एक्सटर्नल टू मैन. दिस इज, भगवान इज अदर वर्ल्ड, दूसरे वर्ल्ड में रहता है, उसकी खुद की ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, और वो मैन को क्रिएट कर रहा है. तो सिमिलरली दिस ऑब्जेक्ट्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, दे पोजेस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, राइट? सो दिस इज फेटिसिज्म. और इस पूरे कंसेप्ट को क्या है, कार्ल मार्क्स यूज करेंगे
कॉमोडिटी फेटिसिज्म को एक्सप्लेन करने में. अब लेट अस ट्राई टू स्टडी अबाउट व्हाट इज कॉमोडिटी फेटिसिज्म. तो ये पूरा आपका बेस बनेगा, ये कंसेप्ट बेस बनेगा और यहीं से आप समझ पाओगे व्हाट इज कॉमोडिटी फेटिसिज्म. नाउ सी, सबसे पहले इट इज मैन, राइट, कार्ल मार्क्स क्या बोलेंगे, इट इज मैन, राइट, हु थ्रू हिज लेबर, हु थ्रू हिज लेबर, राइट, इज प्रोड्यूसिंग गुड्स और कॉमोडिटीज, राइट. सी दीज कॉमोडिटीज आर अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मैंस लेबर, राइट. सिमिलरली द इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स देवर प्रोड्यूस्ड बाय मैन, सो रिलीजन वॉज द क्रिएशन ऑफ मैन, दिस फेटिश ऑब्जेक्ट्स देवर द क्रिएशन ऑफ मैन. सो सिमिलरली मैन इज क्रिएटिंग कॉमोडिटीज, इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मैंस लेबर, राइट. अब ये जो कॉमोडिटीज हैं, ठीक है, और मैन है, इनके बीच में क्या है, जो लिंक है, ये जो लिंक है ये टूट जाता है, राइट. दिस इंटीमेट कनेक्ट और दिस इंटीमेट लिंक बिटवीन मैन एंड कॉमोडिटीज इज ब्रोकन अंडर कैपिटलिज्म, राइट. बिकॉज कॉमोडिटीज क्या है, हमने क्या पढ़ा था, दीज आर नॉट यूज्ड फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ऑफ मैन, देयर आर नॉट यूज्ड फॉर मैंस, इन ऑर्डर टू फुलफिल मैंस डिजायर, राइट. सो कॉमोडिटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम मैन एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर द मार्केट, राइट. वो मार्केट के लिए उनका एग्जिस्टेंस है, राइट. तो यहां पे क्या है, हम पढ़ेंगे एलियनेशन, मैन इज एलियनेटेड फ्रॉम प्रोडक्ट, राइट, बिकॉज दिस प्रोडक्ट मैन कैन नॉट यूज फॉर हिज सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और सेल्फ यूज के लिए क्या है, इस प्रोडक्ट का यूज नहीं कर सकता है, राइट. इसकी कोई यूज वैल्यू नहीं है, दिस प्रोडक्ट इज मेंट फॉर मार्केट. सो दिस लिंक और इंटीमेट कनेक्शन दैट वॉज देयर बिटवीन मैन एंड कॉमोडिटी बाय हिज लेबर दैट इज ब्रोकन एंड मार्केट में कॉमोडिटी क्या है, दिस इज मेंट फॉर मार्केट, राइट. ठीक, अब यहां पे क्या है, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि दीज कॉमोडिटीज दे ऐसी, यहां पे क्या है, जैसे ये था, कार्ल मार्क्स बोलते हैं दीज कॉमोडिटीज क्या है, अपनी ही क्या है, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट, राइट, ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल रियलिटी बना लेते हैं, राइट. मैन को ऐसा लगता है कि कॉमोडिटीज की क्या है, सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव और एक्सटर्नल रियलिटी है दीज कॉमोडिटीज, क्योंकि ये लिंक टूट चुका है, ये लिंक टूट चुका है मैन और कॉमोडिटी के बीच में, तो ये लिंक टूट चुका है, तो मैन को लगता है कि इन कॉमोडिटीज का एक सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव और एक्सटर्नल रियलिटी है और दे हैव अ सेपरेट रियाल्म, अ सेपरेट वर्ल्ड, राइट. जबकि कॉमोडिटीज प्रोड्यूस ही मैन कर रहा है, राइट, दे आर नॉट समथिंग डिफरेंट, लेकिन मैन को लगता है कि इनका खुद का ही अपना वर्ल्ड है, जैसे यहाँ पे रिलीजन और गॉड्स का अपना वर्ल्ड था, फैटिश ऑब्जेक्ट्स का अपना वर्ल्ड था, ऐसे इनका क्या है, रियल्म और वर्ल्ड अपना खुद का है, राइट. दे आर यूनिक और सुई जनरी, दे हैव सेपरेट, दे हैव इंडिपेंडेंट, दे हैव ऑब्जेक्टिव और एक्सटर्नल असिस्टेंस, राइट, एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस, दे आर एक्सटर्नल टू मैन, ये मैन बिलीव करने लग जाता है क्योंकि ये लिंक टूट चुका है, राइट. लेकिन कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि दिस इज जस्ट एन इल्यूजन, और यहां से वो आइडियोलॉजी से भी लिंक करते हैं कॉमोडिटी फेटिसिज्म को. तो यहां पे हम कॉमोडिटी फेटिसिज्म को एलियनेशन से भी लिंक कर रहे हैं और आइडियोलॉजी से भी लिंक कर रहे हैं, राइट. और यहां पे हम आगे बात भी करेंगे, राइट. तो ये जो सी जब ये यहां पे क्या है, दीज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, राइट, विच वर क्रिएटेड बाय मैन, व्हेन दीज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैविंग दिस सुपरनेचुरल पावर और मिस्टीरियल क्वालिटीज, जब वो अपना ही एक रियल्म बना लेते हैं, राइट, देव लोक, उनका अलग ही लोक है, राइट, और दीज दे हैव डिफरेंट एक्सटर्नल रियलिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैन, लेकिन ऐसा नहीं है, दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मैन, दैट इज नॉट एक्सटर्नल टू मैन, पर मैन को ऐसा लगता है कि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, दे हैव देयर ओन यूनिक एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एंड ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस, राइट. तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये होता है, इसको बोलता है रीफिकेशन,
इसको बोलते हैं रीइफिकेशन, राइट। व्हेन दीज थिंग्स व्हिच वर क्रिएटेड बाय मैन, व्हेन मैन कम्स टू बिलीव दैट दीज थिंग्स दैट मैन क्रिएटेड दे आर एक्सटर्नल टू मैन, दे हैव इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट एग्जिस्टेंस, राइट, एंड दे आर कंप्लीटली डिटैच्ड और डिसोशिएटेड फ्रॉम मैन, राइट। लेकिन कार्ल मार्क्स बोलते हैं दिस इज जस्ट एन इल्यूजन, राइट, दिस इज जस्ट एन इल्यूजन विच इज प्रोमोटेड बाई आइडियोलॉजी। रूलिंग क्लास ऐसी आइडियोलॉजी प्रमोट करती है और यही आइडियोलॉजी क्या है, डिस्टॉर्ट कर देती है रियलिटी को, राइट। दिस आइडियोलॉजी डिस्टॉर्ट्स रियलिटी और रियलिटी को क्या है, दिस रियलिटी विल बी हिडन अंडर द गाइज ऑफ अंडर द क्लॉथ ऑफ आइडियोलॉजी, दिस रियलिटी इज डिस्टॉर्टेड, दिस इज हिडन, राइट, एंड दिस इज सटल रियलिटी एंड मैन इज नॉट एक्सपोज टू दिस रियलिटी, क्योंकि मैन की आंखों पर आइडियोलॉजी का पर्दा पड़ चुका है, राइट, ठीक ना। एक तो ये कंसेप्ट था आपका, ठीक। अब इसके साथ साथ क्या लगता है मैन को, क्या लगता है कि ये जो कॉमोडिटी है, ये कॉमोडिटी है, इसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस है, एक तो मैन ने ये बिलीव किया, राइट, और इसी का कॉन्सिक्वेंस है मैन ये भी बिलीव करता है कि जो कॉमोडिटी है उसकी वैल्यू मैन उसकी वैल्यू क्या है, इज इट इज एन इंट्रिंसिक टू द कॉमोडिटी, कॉमोडिटी की अपनी ही वैल्यू आएगी, राइट, इट इज एन इंट्रिंसिक इनहेरेंट टू द कॉमोडिटी, उसकी वैल्यू कॉमोडिटी की वैल्यू इंट्रिंसिक टू दैट कॉमोडिटी, राइट, उस कॉमोडिटी पे डिपेंड करेगी उसकी वैल्यू। अगर आप मार्केट में जाओगे शूज के लेने, अगर शूज आपको 1000 रुपए के लग रहे हैं तो आपको कॉमोडिटी कैसे परसीव करोगे, राइट। सी आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट को आपकी खुद की उसकी एग्जिस्टेंस दिखती है, उस कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने में के पीछे क्या लेबर लग रहा है, आपको लेबर नहीं दिखता, आपको वर्कर्स नहीं दिखते हैं, आपको खाली जब शू परचेज करने जाते हो तो आपको खाली वो शोरूम दिखता है, राइट, आपको वो शूज दिखते हैं, तो आपको लगता है कि ये कॉमोडिटीज का अपना ही वर्ल्ड है, राइट, और उन शूज की कुछ वैल्यू रहती है, तो आपको लगता है उस कॉमोडिटी की ये वैल्यू है ही, तो इट इज इंट्रिंसिक और इनहेरेंट वैल्यू उस कॉमोडिटी की, राइट। सो सेकेंड इज दिस मिसकंसेप्शन, और थर्ड वो बोलते हैं कि उस कॉमोडिटी का कुछ ऑब्जेक्टिव करेक्टर है, द करेक्टर दैट इज ईच कॉमोडिटीज हैव सम करेक्टर एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज एंड दिस इज एन ऑब्जेक्टिव करेक्टर विच इज अगेन इनहेरेंट टू दैट कॉमोडिटी। नाइकी के शूज का अपना एक करेक्टर है, एक ऑब्जेक्टिव करेक्टर, हम ये बिलीव रखते हैं, राइट। सो वी बिलीव कि ये जो मार्केट है इसमें वेरियस कॉमोडिटीज लाई कर रही है, राइट, इनका अपना ही वर्ल्ड है, ये मार्केट वाला वर्ल्ड है और इसका कोई कनेक्शन नहीं है मैन और उसके लेबर से। जब आप नाइकी के शूज़ खरीदने जाते हो या रिबॉक के शूज़ खरीदने जाते हो या फिर ब्रांडेड क्लॉथ्स खरीदने जाते हो, राइट, तो आप कभी सोचते हो उसमें लेबर, वो दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लेबर, नहीं, आप ये सोचते हो कि इसकी खुद की ही, मतलब माइंड हमारा ऐसा है कि रियलिटी हमें ऐसी लगती है उसकी खुद की एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। नाइकी का शोरूम है, उसमें क्या है, इसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, सेकेंड इसकी एक इनहेरेंट वैल्यू है, उसकी इतनी वैल्यू है तो है, राइट, बिकॉज इट इज सेपरेट, और प्लस इसका खुद का एक कैरेक्टर है। नाइकी के शूज और रिबॉक के शूज का डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर है, राइट, ऐसे शूज का अलग ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर होगा, क्लोथ्स का अलग ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर होगा ना, दिस इज व्हाट वी बिलीव, राइट, वी बिलीव दिस टू बी सेपरेट। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं, दिस इज नॉट द रियलिटी, एक्चुअल रियलिटी इज हिडन अंडर द गाइज ऑफ आइडियोलॉजी। रियलिटी क्या है, फर्स्ट इसको काउंटर करते, राइट, दिस, राइट, दिस इज नॉट समथिंग एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट ऑफ मैन। कार्ल मार्क्स बोलते हैं इट इज कॉमोडिटीज आर द क्रिएशंस ऑफ प्रोडक्टिव लेबर ऑफ मैन। मैन ही अपने लेबर के थ्रू कॉमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, सो दीज कॉमोडिटीज दे डू नॉट हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस बट वी बिलीव दैम, हमें लगता है कि उनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस है, तो दिस इज हाउ ही काउंटर्स दिस रियलिटी। सेकंड वो बोलते हैं इनकी इंट्रिंसिक इनहेरेंट वैल्यू नहीं है, रादर दिस एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ कॉमोडिटी इन द मार्केट ये कैसे डिटरमाइंड होगी एक्सचेंज वैल्यू, इट इज डिटरमाइंड बाय द लेबर, राइट, द सोशली नेसेसरी लेबर टाइम दैट वॉज पुट बाय मैन
द एफर्ट्स दैट वर पुट बाय मैन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी, तो वो भी यहीं से निकल के आ रहा है. और इसका कोई ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर ऐसा सच नहीं है, राइट. रादर हम पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट लेबर, उसका नेचर. मैन क्या है, अपने लेबर के थ्रू क्या है, मैन क्या है, हमने देखा था, अपने लेबर के थ्रू क्या है, अपने सेल्फ को, अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है इसमें, राइट. फॉर इंस्टेंस इफ आई एम प्रोड्यूसिंग दीज लेक्चर्स, दीज आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ माई लेबर, और यहां पर मेरी सेल्फ, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी क्रिएटिविटी, राइट, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, मेरा पर्पस, थॉट, इंटेलेक्ट, वेरियस चीजें यूज हो रही हैं, राइट. तो आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हो, मैन जब लेबर करता है, खाली मैन में ही ऐसी, खाली जितनी स्पीसीज है, खाली मैन ही ऐसा है जो कॉन्शियस लेबर, कॉन्शियस फॉर्म ऑफ लेबर यूज कर सकता है, कॉग्निशन का यूज कर सकता है, राइट, अपने थॉट, इंटेलेक्ट, क्रिएटिविटी का यूज कर सकता है, और यही रिफ्लेक्ट होता है उसके क्रिएशन में, राइट. तो उस क्रिएशन का कुछ अलग से कैरेक्टर नहीं है, दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस, राइट. हम पढ़ेंगे इसको स्पेसिफिकली एलिनेशन में, राइट. सो प्लस जब हम प्रोडक्शन रिलेशंस है, राइट, एवरीथिंग इज बीइंग सोशली एंड कलेक्टिवली प्रोड्यूस्ड, तो यहां पे क्या है, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर, राइट, रादर दिस रिप्रेजेंट्स द सोशल रिलेशनशिप्स, सोशल कैरेक्टर, राइट. इसके पीछे सोशल कैरेक्टर है, राइट, बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स और कमोडिटी दैट वर प्रोड्यूस कलेक्टिवली और सोशली बाय मैन, एंड उसके पीछे क्या है, सोशल रिलेशनशिप्स थी, राइट, सोशल रिलेशनशिप्स थी इसके पीछे, तभी प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया, राइट. तो यहां पे क्या है, कॉमोडिटी का अपना करेक्टर नहीं है, रादर सोशल करेक्टर रिफ्लेक्ट करता है और मैन का सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है, राइट. बिकॉज यहां पे एक आदमी तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, मल्टीपल आदमी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहां पे क्या है, एक पर्सनल कैरेक्टर नहीं रिफ्लेक्ट होगा, ये जो सोशल रिलेशनशिप होंगी इसमें सोशल कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होगा कॉमोडिटी में. नाउ दिस इज द रियलिटी, बट दिस इज व्हाट वी सी, राइट, दिस इज व्हाट वी सी, राइट. ऐसे जैसे यहां पे रिलीजन में हो रहा था, फेटिशिज्म में हो रहा था, सेम ऐसा होता है. तो मैन को क्या लगता है, इन कॉमोडिटीज की क्या है, अलग से एग्जिस्टेंस है, इनकी वैल्यू भी इनहेरेंट है, इनका कोर कैरेक्टर भी ऑब्जेक्टिव है, राइट. सिंस कॉमोडिटीज की भी एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस है, राइट, इंडिपेंडेंट है, तो इनके बीच में क्या है, मार्केट में एक्सचेंज होना स्टार्ट होगा. कॉमोडिटीज क्या है, डिफरेंट कॉमोडिटीज दे आर एक्सचेंज्ड विद अदर कॉमोडिटीज इन द मार्केट यूजिंग द मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट. तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, राइट, ये जो एक्सचेंज हो रहा है कॉमोडिटीज का, ये जो मार्केट है, राइट, और ये जो ट्रेड ऑन कॉमर्स है, राइट, और ये जो इकोनॉमिक सिस्टम जो डेवलप हो रहा है, इसको भी हम क्या है, we consider it to be separate, independent, external and objective, right? It has a separate entity. This is what we consider, right? और जो man consider करता है, that actually it will start manifesting in reality, right? वो उसके लिए reality बनती जाएगी धीरे धीरे करके, ठीक है. तो हमें यही लगता है कि कैपिटलिज्म का ही अपना क्या है, एक एग्जिस्टेंस है, उस इकोनॉमिक सिस्टम, उस जो मार्केट्स है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, उनका एग्जिस्टेंस है, और मैन उनको क्रिएट, उनको कंट्रोल नहीं कर रहा है, राइट. और फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ स्टॉक मार्केट, राइट. अब मैन स्टॉक मार्केट में जाता है और मैन सोचता है कि आई विल बी मैनिपुलेटिंग द स्टॉक मार्केट इन ऑर्डर टू जनरेट प्रॉफिट्स, राइट, इन ऑर्डर टू जनरेट प्रॉफिट्स ऑन माई रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट, राइट. तो उसको क्या, स्टॉक मार्केट एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की तरह लगता है, राइट, उसको एक इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव रियलिटी लगती है स्टॉक मार्केट, लेकिन एक्चुअली स्टॉक मार्केट है क्या. सी जस्ट लाइक दिस पर्सन, अदर पीपल आर ऑल्सो देयर इन द स्टॉक मार्केट, राइट, और ये आपस में ही एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, राइट, आपस में एक दूसरे एक्शंस को क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं और प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और वहां से वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. तो उसकी मैन, ये इट इज अ आउटकम ऑफ इकोनॉमिक और सोशल रिलेशनशिप बिटवीन मैन, राइट. लेकिन इंसान को क्या लगता है, इंसान को ये नहीं दिखता है, इंसान को लगता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, एक अलग से एक एंटिटी है, राइट, उसकी डिफरेंट और सेपरेट एग्जिस्टेंस है और इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है. तो सिमिलरली द थिंग्स आर हैपनिंग ओवर हियर, राइट. अब एक कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा जिसकी वजह से क्या है, ये जो कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा, सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस कैसे है, एंड दिस विल बी
Now, whatever I'll be teaching you now, this will be the main concept of Karl Marx, right? Relating to commodity fetishism. So, now let us further try to explore this concept or further हम देखते हैं कि separate, independent और इंसान को लग भी क्यों रहा है, right? See, अगर आप market में जाते हो, right? You consider the commodity, right? और जहां पे उनका एक्सचेंज हो रहा है कॉमोडिटीज का, राइट, कॉमोडिटीज एंड देयर एक्सचेंज और जहां पे एक्सचेंज हो रहा है कॉमोडिटी का, दैट इज द मार्केट वेयर कॉमोडिटीज आर एक्सचेंज विद ईच अदर, राइट, दीज आर द मार्केट्स. तो हमें क्या है, हमें ये लगता है सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एंड दिस इज करेक्ट टू सम एक्सटेंट, राइट. और कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं, सी कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो और फाइनल कंजम्पशन हो रहा है, राइट, नाउ दिस इज पॉसिबल ड्यू टू various relations that develop between men, right? Various relations, social relations that develop between men. लोगों के बीच में आपस में social relations बनते हैं, right? Develop between men, right? क्योंकि men, Karl Marx ये मानते हैं कि work is the primary activity of men. तो जो production हो रहा है, distribution हो रहा है इसका, goods का, और final consumption हो रहा है, right? तो इसमें क्या है, ये जो पूरा link है, right? ये पूरी क्या है, एक supply chain है. This is the entire supply chain, right? तो इसमें क्या है, there will be various people involved because division of labor is complex here. Various people are involved due to this complex division of labor, isn't it? तो ये जो सप्लाई चेन है, ये तभी पॉसिबल है बिकॉज दिस कंस्टिट्यूट्स द रिलेशनशिप्स और सोशल रिलेशंस और एक्सचेंज बिटवीन मैन, राइट. फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, देन ट्रांसपोर्टर उसको, प्रोड्यूसर है फिर ट्रांसपोर्टर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, देन रिटेलर्स आ रहे हैं, राइट, जो उसको सेल कर रहे हैं फर्दर इन रिटेलर से कौन खरीद रहा है, कंज्यूमर, राइट. सो इट कंस्टिट्यूट्स अ सप्लाई चेन और दैट इज इकोनॉमी में, और जो वर्क है उसमें दैट असेंशियली कंस्टिट्यूट्स सोशल रिलेशंस दैट डेवलप बिटवीन मैन, राइट. दिस एंटायर लिंक और सप्लाई चेन ऑफ सोशल रिलेशंस. लेकिन वो बोलते हैं कि कॉमोडिटी फैटिसिज्म और कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है, राइट, कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है और कॉमोडिटी फैटिसिज्म की वजह से क्या हो रहा है, राइट. See, these social relations between men between men are replaced by relation between things. या फिर इसको आप बोल सकते हो कॉमोडिटीज. नाउ इसका क्या मतलब है, इस चीज का मतलब क्या है. सी, जब आप एज ए कंज्यूमर, राइट, ऑल ऑफ वी अस आर कंज्यूमर, वी आर कंज्यूमिंग समथिंग. हम क्या है, हमारे इंटरफेस क्या है, हमारे इंटरफेस खाली मार्केट के साथ है, मार्केट के साथ हमारा इंटरफेस है, राइट. और रिलेशंस कैसे डेवलप हो रहे हैं, राइट. सी, यहां पे एक्सचेंज क्या हो रहा है, सोशल रिलेशंस क्या है, मैन के अलोंग कंडक्ट नहीं हो रहे, राइट. अदर सोशल रिलेशंस आर देयर बिटवीन थिंग्स और कॉमोडिटीज, राइट. जहां पे क्या है, ये जो थिंग्स और कॉमोडिटीज है इनके बीच में लिंकेज है, इनके बीच में क्या है, रिलेशंस है, राइट. इनके बीच में लिंकेज है और इनके बीच में क्या है, रिलेशंस है. क्योंकि आप मार्केट में क्या करते हो, राइट, आप मार्केट में करते क्या हो, यू आर एसेंशियली
गोइंग टू अ शॉप, राइट, यू आर एसेंशियली गोइंग टू अ शॉप और यू आर एक्सचेंजिंग दिस कॉमोडिटी, यू आर बाइंग सम कॉमोडिटी एंड यू आर पेइंग मनी, राइट. मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो रिलेशंस क्या हो रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, राइट, आपको जो दिख रहा है. सो दे आर रिलेशंस बिटवीन कॉमोडिटीज, बिटवीन थिंग्स, राइट. ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप जरूर दिस, आपको जरूर दिस इज एसेंशियली यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर, राइट. सोशल रिलेशंस दैट डेवलप बिटवीन मैन वाई प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, दे आर रिप्लेस्ड बाई रिलेशंस बिटवीन थिंग्स, राइट. दीज थिंग्स और दीज कॉमोडिटीज दे हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस और ये एक्सचेंज हो रहा है तो इनकी रिलेशंस हमको दिखती है. ये जो रिलेशंस हैं, ये जो रिलेशंस है बिटवीन मैन, दे आर हिडन, दे आर हिडन, राइट. दे आर क्लॉथड, इनके ऊपर कपड़ा टेक दिया जाता है और दे आर कैमोफ्लाज्ड, राइट. एंड ऑल वी सी इज वी सी रिलेशन बिटवीन और लिंकेज बिटवीन कॉमोडिटीज. और कैसे हम मार्केट में क्या करते हैं, अब इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, उससे आपको बेटर समझ में आएगा, राइट. आपको जाते हो मार्केट ही दिखता है, मार्केट में आप क्या कर रहे हो, यू आर बाइंग समथिंग एंड अनदर पर्सन इज सेलिंग समथिंग, राइट. सो वहां पे आपके बीच में तो इंटरफेस है, रिलेशन है, राइट. लेकिन मेन क्या रिलेशन है, बिटवीन कॉमोडिटीज, राइट. यू आर जस्ट पेइंग मनी, मनी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कॉमोडिटी, राइट. राइट, इट इज अ काइंड ऑफ अ मटीरियल थिंग, राइट. सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन थिंग्स. तो मनी को आप कॉमोडिटी के बदले एक्सचेंज कर रहे हो, राइट. और इसी मनी को आप कॉमोडिटी के बदले एक्सचेंज कर रहे हो, नाउ दिस मनी विल बी यूज्ड टू बाय सम अदर कॉमोडिटीज. तो कॉमोडिटीज का आपस में रिलेशंस थ्रू वाया मनी हो रहा है, ठीक. नाउ दिस सोशल रिलेशंस आर हिडन, ऐसा क्यों है, राइट. सी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं और लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स, जब आपको ये ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, राइट. Let us talk about the BD industry, right? BD industry. Now in Ritzer they have used the concept of coffee. I am replacing it with the BD industry. Specifically क्या Indian context को suit हो पाए. Now let us say कि a person who is a smoker, right? He belongs to lower class and he goes to a shop or a local paan wala, right? And he buys a pack of बीडी, राइट, इन ऑर्डर टू स्मोक, राइट. सो ही गिव्स मनी एंड ही एक्सचेंजेस दिस मनी विद कॉमोडिटी, राइट. ही एक्सचेंजेस दिस मनी विद कॉमोडिटी. तो मार्केट में कॉमोडिटीज का एक्सचेंज हो रहा है, रिलेशंस आर डेवलपिंग बिटवीन थिंग्स. हेयर रिलेशन कौन सा रिलेशन, खाली मैन, खाली मनी और कॉमोडिटी. यू आर गिविंग सम मनी एंड यू आर बाइंग दिस कॉमोडिटी, राइट. लेकिन आपको खाली दिख इतना ही रहा है, राइट, क्योंकि आपको खाली ये मार्केट ही दिख रहा है, राइट. ऐसी मल्टीपल स्ट्रीट होगी, उसमें मल्टीपल शॉप्स होंगी जहां पे ये एक्सचेंज हो रहा होगा, आपको खाली ये दिख रहा है, राइट. और यू ओनली सी द रिलेशन बिटवीन थिंग्स, द रिलेशन बिटवीन कॉमोडिटीज. लेकिन अगर आप एक्चुअल में हो क्या रहा है, राइट, एक्चुअल में हो क्या रहा है, सी ये बीडी सप्लाई किया होगा तो इसके पीछे ट्रांसपोर्टर होगा, इजंट इट. तो यहां पे क्या एक सोशल रिलेशनशिप बना होगा ये सप्लाई चेन के थ्रू. और इससे पहले क्या है, प्रोडक्शन हो रहा होगा इसका, राइट. जब प्रोडक्शन हो रहा होगा, यहां पे हम सब कंसीडर करते हैं कि ये जो स्मोकर है, ही इज अ, लेट अस से ही इज अ स्टॉन्च पैट्रियट, स्टॉन्च पैट्रियट, राइट, राइट. और ये भी कंसीडर करते हैं क्या, दैट He loves children, right? He loves children. ठीक, ये consider करते हैं. अब production हो रहा है, see, यहां पे क्या है, specially in BD industry, you will see child labor is used on large scale. Child labor is used on large scale, right? Now what are the working conditions? इनको wages कितने मिलते हैं? First of all, it is completely illegal, right? Child labor is illegal. राइट, देन वेजेस आर अबिसमली लो, राइट. चाइल्ड के साथ निगोशिएशन क्या होगा, प्लस वर्क पुअर और दिस आर पुअर एंड डेंजरस वर्किंग कंडीशंस है, वेरियस हेल्थ डिजीज, हेल्थ इश्यूज आएंगे चिल्ड्रन को आगे चल के, राइट. प्लस यू कुड सी कि बॉन्डेड लेबर भी होगा, इनके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है इनके पेरेंट्स के साथ और दे हैव टू वर्क देयर फॉर 2 to 3 और मैक्सिमम मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स इन दिस पुअर डेंजरस कंडीशंस. दे हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स, 16 घंटे करते हैं, राइट, राइट. सो दिस इज ऑल इलीगल, राइट, दिस इज एन इलीगल. एंड लेट अस से दिस पर्सन इज हिमसेल्फ
also a law abiding citizen. He is a law abiding citizen. He is a law abiding citizen. ठीक. Plus, this is also violative of Right to Education Act of Children. It is violative of right to health also. It is a violation of right to life also. Right, right to live with, right to life, right to live with dignity. Right. So multiple violations are there. और इससे पहले भी let us say कि जो BDs are constructed यार उसमें क्या होता है, तेंदुपत्ता यूज होता है. Right. तेंदुपत्ता यूज होता है. और ये क्या होता है, फॉरेस्टेड एरियाज में उगाया जाता है. वहाँ से किया जाता है. स्पेशली इन रीजन्स ऑफ दिस छत्तीसगढ़ झारखंड, वहाँ तेंदुपत्ता क्या है, ट्राइबल्स इनको बिनते हैं. राइट. इसको क्या है, एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम फॉरेस्ट. राइट. इट इज़ अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट. राइट. और इसको क्या ट्राइबल्स क्या है, सेल करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को. Right, these contractors buy and they sell it to the manufacturer. Right, this is how this supply, entire supply chain is working. Now let us consider कि यहाँ पे क्या है, ये जो contractors हैं, they actually have to pay some sort of extortion money. They have to pay some sort of extortion money to the Naxalites. Right, अगर उनको वहाँ पे उस forested और tribal area में काम करना है और ये contractors को निकालना है, तो they have to pay some sort of extortion money. These contractors, they are hand in gloves with these Naxalites, and they have to pay some sort of extortion money to these Naxalites, right? Now see, all of this is hidden to man. Now this is what I was talking about. This is what I was talking about. आपका concretization इस example से होगा. आपको क्या दिख रहा है, आपको खाली दिख रहा है market. This relation between things. This person who is a stanch patriot, loves children, law abiding citizen, right? And all who could see is उसको खाली ये market दिख रहा है. इसके पीछे की ये reality, right? This social relations between men, this is hidden, right? And all he could see is this. He considers, क्योंकि इसका इंटरफेस इतना है, उसको लगता है कि ये जो मार्केट है, राइट, और ये कॉमोडिटीज, उनकी खुद की वैल्यू, खुद का करेक्टर है, इंडिपेंडेंट रियलिटी है, मार्केट की भी इंडिपेंडेंट रियलिटी है. तो उसको खाली यहाँ पे ही उसका इंटरफेस है. तो एक्सचेंज खाली उसको क्या दिख रहा है, उसको खाली एक्सचेंज दिख रहा है कॉमोडिटीज का और थिंग्स का. राइट. वेयर मनी इज रिप्लेस्ड विद कॉमोडिटी और कॉमोडिटी इज रिप्लेस्ड विद मनी. सो ही कुड ओनली सी हेयर द रिलेशंस बिटवीन मैन आर रिप्लेस्ड बाय रिलेशंस बिटवीन थिंग्स, बिकॉज ये खाली यही देख पाता है. सो इन स्पाइट ऑफ हिम बीइंग अ स्टॉच पैट्रियट, राइट, लेकिन वो इफेक्टिवली क्या है, ही इज सपोर्टिंग नक्सलिज्म. दिस वेरी एक्ट ऑफ बाइंग हेयर, ही इज सपोर्टिंग नक्सलिज्म. राइट. लिंक, एवरीथिंग इज लिंक्ड. ही लव्स चिल्ड्रन बट ही इज सपोर्टिंग चाइल्ड लेबर इनडायरेक्टली, बिकॉज दिस इज समथिंग हिडन टू हिम. राइट. ही इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन बट ही इज हेल्पिंग इन वायलेशन ऑफ वेरियस लॉज. राइट. ठीक. राइट. एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग बिकॉज, अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि यहाँ से, दिस इज वॉज एन एग्जाम्पल, सोशल रिलेशंस बिटवीन मैन आर रिप्लेस्ड बाई रिलेशंस बिटवीन थिंग्स, एंड दीज थिंग्स हैव एन ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल रियलिटी. राइट. और इसी वजह से क्या है, दिस एक्सप्लॉयटेशन इज हिडन. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज हिडन. राइट. तो मैन इज नॉट कंसर्न अबाउट, क्योंकि उसको दिखता ही नहीं है. राइट. दिस इज हिडन, दिस इज इनविजिबल. राइट. दिस इज इनविजिबल ड्यू टू कॉमोडिटी फेटिसिज्म. ऑल व्हाट मैन कुड सी इज कॉमोडिटी. राइट. उसको और कुछ दिखता ही नहीं है, और उसका एक्सचेंज मार्केट, उसको लगता है कि ये सेपरेट है, ये एक्सटर्नल है. राइट. और दिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज हिडन. राइट. दिस इज व्हाट यू कुड बी राइटिंग इन योर आंसर. तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन हिडन है, तो इसकी वजह से क्या है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स उसको नहीं दिखते हैं. राइट. पुअर डेंजरस और अनसेफ वर्किंग कंडीशंस नहीं दिखती हैं उसको, मैन को. राइट. सिमिलरली उसको क्या है, वर्कर्स की मेंटल और इमोशनल स्टेट्स क्या होंगी वो भी नहीं पता. राइट. ये चिल्ड्रन क्या फील कर रहे होंगे, इनकी मेंटल और इमोशनल स्टेट्स क्या होंगी, ये कुछ नहीं पता. राइट. तो दिस इज एक्सप्लॉयटेशन इज हिडन. राइट. एंड ये बड़ा ही सटल मैनर में होता. राइट. बड़ा सटल मैनर में होता है, और ये कॉमोडिटी फेटिसिज्म की वजह से ये सब पॉसिबल है. तो कैपिटलिज्म में इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है,
और इतनी सारी आप वी आर सपोर्टिंग सो मेनी रॉन्ग थिंग्स बिकॉज दिस एक्सप्लोटेशन इज हिडन राइट ड्यू टू कॉमोडिटी फेटिसिज्म बिकॉज दैट इज एन इल्यूजन विच इज क्रिएटेड बाय आइडियोलॉजी विच डिस्टॉर्ट्स रियलिटी विच हाइड्स द रियलिटी एंड दिस रियलिटी इज हिडन एंड ऑल वी कुड सी द मार्केट राइट दिस मार्केट विच इज फंक्शनिंग एफिशिएंटली एफेक्टिवली right this market is functioning efficiently effectively the world of commodities we could see right so Karl Marx bolte hain ki this is dehumanization right? it is leading to dehumanization we are not concerned or we could not see these human exploitation we could not see the relations that were there between men the social relations that were there between the men between in capitalism right or agar aapne movie dekhi hogi ek Nawazuddin Siddiqui ki badi famous movie matlab famous movie nahi hai it is a very offbeat kind of movie mere ko naam bhi nahi pata right usme yahi hota hai ki he was essentially a migrant labor who moves from city to city uski condition ko depict kiya gaya hai aur ultimately he dies ultimately that person dies in a steel plant in Chhattisgarh right वो पोर्ट्रे किया गया करेक्टर और लास्ट में ये दिखाया जाता है कि दैट जो डेथ होती है उसकी राइट उसके घर वालों को भी नहीं पता चलता बिकॉज ही इज अ लेबरर राइट उसकी कोई सोशल स्टैंडिंग ही नहीं है कोई वैल्यू ही नहीं है राइट और वो इट बिकम्स जस्ट वन स्टैटिस्टिक्स इन वन जस्ट वन नंबर इन द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स द नंबर ऑफ पीपल हु डाइड राइट ड्यू टू दिस poor unsafe working condition it becomes just one statistic just one number in the this government figures right because all of this is beautifully hidden right in a very hidden invisible subtle right so this is the ill effects of commodity fetishism dehumanization kar deta hai aur main aapko baat karta hu for example let us talk about prostitution a person who is going there right for sexual intercourse right for sexual intercourse therein the woman ki body ko kya hai objectify kiya gaya hai objectify kiya hai usko ek vastu object samjha jata hai rather it is a commodity because is commodity ko kya hai market mein sell kiya jata hai right you are exchanging money with this woman body which is an object right so this is an objectification of woman right this body of woman has become a commodity in the sex market right to aapko khali ye dikh raha hai aapko khali you could see the relation between things between your money and the commodity that is the body of woman right lekin uske piche jo brothel hai usme uski living conditions kya hai right how much money is she earning the conditions of her children right उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे हुआ है राइट मल्टीपल गर्ल्स आर सोल्ड एंड दे आर बींग एबडक्टेड फ्रॉम द पुअर रीजन्स और दे आर बींग सोल्ड इन द पुअर रीजन्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड राइट तो पीछे की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंडीशंस है जो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्लेवरी वो नहीं दिखती है और ये क्या है ह्यूमनिज्म कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाता है राइट ह्यूमनिज्म इज लॉस्ट समवेयर इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमोडिटीज राइट ये नहीं दिखता है तो डीह्यूमनाइजेशन होता है राइट तो इसे डीह्यूमनाइजेशन हो रहा है एलियनेशन हो रहा है राइट प्लस Karl Marx बोलते हैं जो लेबर है लेबर इट्सेल्फ इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट हम देखेंगे कि मैन इज एलियनेटेड फ्रॉम हिज लेबर इन द अंडर कैपिटलिज्म लेबर भी क्या है एक कॉमोडिटी बन गया है और Karl Marx बोलते हैं आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन एलियनेशन दैट द लेबर हैज बिकम अ रेचेड कॉमोडिटी man has been alienated from his labor man does not control his labor rather this is owned and exploited by the capitalist or the bourgeois so man has been alienated from his labor even labor has become a commodity right now let us deal with the final aspect of commodity fetishism right ab humne almost sara concept dekh liya hai now ek final aspect ye hai commodity fetishism अब इसमें इंसान क्या समझ सकता है क्या समझता है कि कॉमोडिटीज दे पोजेस सम मिस्टीरियस क्वालिटीज इन देमसेल्व्स जस्ट लाइक द इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स इन रिलीजन दिस कॉमोडिटीज और इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स दे पोजेस मिस्टीरियस क्वालिटीज राइट दे पोजेस पावर
और कंट्रोल, पावर और कंट्रोल ओवर मैन, राइट। और कॉमोडिटी फेटिशिज्म में क्या होता है, राइट, एसेंशियली सी, मैन थ्रू हिज लेबर इज प्रोड्यूसिंग कॉमोडिटीज, राइट। सो द टाइप ऑफ इस कॉमोडिटी में उसकी स्किल्स यूज हो रही है, राइट, इसमें उसका सेल्फ दिख रहा है, राइट, उसकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो रही है लेबर के थ्रू इस कॉमोडिटी में, राइट, दिस इज द रियलिटी। लेकिन राइट, इट इज द लेबर ऑफ मैन दैट डिटरमाइंस द कैरेक्टर ऑफ कॉमोडिटी, राइट, इट इज द लेबर ऑफ मैन, इट इज द कॉन्शियस ऑफ लेबर, कॉन्शियस इमेजिनेटिव क्रिएटिव लेबर ऑफ मैन that should actually determine the character of commodity, right? Commodity का character man के labor से, उसके self, right? अपने labor के through, और जो commodity है उसमें man अपने skills और self और personality represent करेगा, right? लेकिन कुछ अलग ही हो रहा है, right? यहाँ पे क्या है, man is believing that these commodities possess mysterious qualities, right? They possess power or control over man, right? Man kinds of man ki kya certain adulation hai aur a kind of worship orientation hai towards these commodities, right? और यहाँ पे क्या है, ऐसा होना चाहिए था, मैन का करेक्टर कॉमोडिटीज से डिटरमाइन होना चाहिए था, जिस टाइप की कॉमोडिटीज वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन रिवर्स इज हैपनिंग, इट इज कॉमोडिटीज, राइट, और मटीरियल पोजेशंस, राइट, मैन की क्या है, उसके पास कौन कौन सी कॉमोडिटी है, उसकी क्या मटीरियल पोजेशंस हैं, राइट, दैट डिटरमाइन द करेक्टर सेल्फ पर्सनैलिटी एंड स्टेटस ऑफ मैन इन कैपिटलिज्म, राइट, ये हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इसकी जगह ऐसा हो रहा है, राइट, मैन के पास उसकी कॉमोडिटीज क्या क्या ऑन करता है, कौन कौन से मटेरियल पोजीशन है, उससे उसका स्टेटस दिखता है, उसकी पर्सनैलिटी और सेल्फ और करेक्टर असेस किया जाता है इन द कैपिटलिस्ट मॉडल प्रोडक्शन। लेकिन रिवर्स होना चाहिए, मैन का जो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस कर रहा है अपने लेबर के थ्रू, उसमें अपनी सेल्फ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उसमें अपना क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, लेकिन मैन का यहाँ पे उल्टा ही हो चुका है कॉमोडिटी फेटिशिज्म में, क्या है, राइट, दिस मटेरियल पोजेशन ऑफ कॉमोडिटीज दैट डिटरमाइन द कैरेक्टर सेल्फ पर्सनैलिटी एंड स्टेटस ऑफ मैन इन द अंडर द गार्प ऑफ कैपिटलिज्म, राइट। मैन किस टाइप की घड़ी पहनता है, रोलेक्स, राइट, फॉर एग्जाम्पल इस driving those expensive Tesla cars, is wearing Rolex, right? यहाँ पे आप इसको Indian context में BMW, Mercedes, Audis, right? That reflects the self or character of man, his material possessions, the Rolex, branded clothes he is wearing, right? All this determines the character or personality of man, not his innate creativity which is reflected in commodity via his labor. That does not reflect the self of man, right? और किस टाइप के विला और बंगलों में रह रहा है, राइट, ऑल दीज मटेरियल पोजेशंस दैट डिटरमाइंस द कैरेक्टर ऑफ मैन। तो ये प्रोसेस रिवर्स हो चुका है, राइट, और यहाँ पे मैन क्या है, ये सोचता है कि इन क्वालिटीज, क्योंकि मैन क्या है, सोचता है कि इन कॉमोडिटीज में कुछ मिस्टीरियस क्वालिटीज है, राइट, सो दे आर पोजेसिंग पावर और कंट्रोल ऑफ मैन, मैन की सर्टेन एडुलेशन है टुवर्ड्स दिस कॉमोडिटीज एंड ही इज वर्शिपिंग दिस कॉमोडिटीज, राइट। सो दिस इज ऑल्सो मैन हैज डेवलप्ड फैटिश for these commodities, right? So this is another dimension of commodity fetishism. और एक डायमेंशन थी कि उसको मैन क्या अलग सेपरेट वर्ल्ड कंसिडर करना चाहता, और वो एक्चुअल रिलीजियस फेटिसिज्म से आया, राइट, सो ऑल ऑफ दिस इज कनेक्टेड टू दैट कंसेप्ट ऑफ फेटिसिज्म इन रिलीजन, राइट, सो दीज आर 2 to 3 डिफरेंट डायमेंशन ऑफ कॉमोडिटी फेटिसिज्म, राइट। और ये कॉमोडिटी फेटिसिज्म आपको क्या है, देखने को भी मिलता है, राइट, मीडिया प्रमोट करती है थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, राइट, और इसको बोला गया है
कल्चर इंडस्ट्री, इस टाइप का कल्चर कुछ मीडिया, हम इसको डिटेल में देखेंगे व्हेन वी टॉकिंग पॉलिटिकल सिस्टम, अदरवाइज दिस चैप्टर विल बिकम वेरी, दिस टॉपिक विल बिकम क्वाइट, यू गॉट टू से, ज़्यादा कुछ अटेंशन फोकस हो जाएगी इसके ऊपर, राइट? कल्चर इंडस्ट्री, राइट? मैन सी कैसे कमोडिटीज को बेचा जाता है, अगर आपने देखा हो रजनीगंधा का एड, राइट? या फिर विमल का एड, राइट? नाउ राइट, ऑल दीज पान मसाला एड्स, राइट? नाउ यहां पे अगर मैंने ये कमोडिटीज, इसको सेल कैसे किया जा रहा है, राइट? कल्चर इंडस्ट्री मीडिया के थ्रू कैसे सेल किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कैसे सेल किया जा रहा है, राइट? यहां से मैन की पर्सनैलिटी दिखाई जा रही है, अगर आप रजनीगंधा या विमल खाते हो देन यू आर ए जेंटलमैन, राइट? राइट, दिस इज हाउ दे आर बीइंग सोल्ड इन इंडियन मीडिया, और इसमें वेरियस बिग एक्टर्स आर देयर, राइट? ताकि सेल बढ़े. फॉर एग्जाम्पल थम्स अप, थम्स अप को कैसे सोल्ड किया जा रहा है, राइट? थम्स अप अगर वो है, थम्स अप अगर आप पीते हो देन यू आर मोर करेजियस, राइट? और इसमें अक्षय कुमार को लिया गया है इन ऑर्डर टू पोर्ट्रे करेजियसनेस, यहाँ पे आप जेंटलमैन हो, आप बिजनेस बढ़ा रहे हो अपना, राइट? योर करियर फोकस, यू आर दैट सिग्मा मेल, राइट? और सिगरेट्स, हाउ आर सिगरेट्स सोल्ड इन द मार्केट? सी स्पेशली क्या हुआ था यूएस में 1950s में, क्या है, मीडिया ने कैंपेन चलाए थे, राइट? सर्टेन मीडिया मैनेजर्स देयर, उसमें क्या, सिगरेट्स वर लिंक्ड टू लिबरेशन ऑफ वुमेन, राइट? अगर आप सिगरेट स्मोक करते हो देन यू आर कंसिडर्ड टू बी अ लिबरेटेड वुमेन. तो मल्टीपल वुमेन, दिस एक्चुअली हैपेंड, मल्टीपल वुमेन स्टार्ट परसुइंग द सिगरेट स्मोकिंग, राइट? तो दिस सिगरेट सेल्स वर enhanced during these times, right? So they are appealing somewhere to the subconscious of man, because these commodities, they say ki they ultimately reflect the character of man, right? Theek hai, so this is commodity fetishism. Lastly, reification. हमने देखा था कि रीफिकेशन क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव सेपरेट एग्जिस्टेंस बनाता है, विच इज एसेंशियली द क्रिएशन ऑफ मैन, मैन प्रोड्यूस इट, राइट? मैन क्रिएटेड इट, लेकिन मैन को लगता है कि उसकी सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस है, राइट? सो इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैन, राइट? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट, इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैन, रादर इट कंट्रोल्स मैन, इट होल्ड्स सर्टेन पावर और स्वे ओवर मैन, राइट? तो सिंस इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैन, दिस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और चेंज्ड. सो कैपिटलिज्म कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और चेंज्ड, राइट? तो रीइफिकेशन में क्या है, खाली इकोनॉमिक सिस्टम का ही नहीं, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स का रीइफिकेशन हो रहा है, राइट? मल्टीपल लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स क्या है, दे आर गेनिंग सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, राइट? इकोनॉमिक्स में ही नहीं, मार्केट्स में ही नहीं, कैपिटलिज्म का ही नहीं, कॉमोडिटीज का ही नहीं, रादर आपने देखा रिलीजन का भी रीफिकेशन हुआ है, राइट? क्रिएटेड बाय मैन देन गेन्ड दैट बिग सोशल स्ट्रक्चर एंड इट बिकेम अ रियलिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैन, राइट? सिमिलरली पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटी इज असेंशली द क्रिएशन ऑफ मैन. मैन ही इलेक्ट करता है मल्टीपल पॉलिटिशियंस को रेगुलरली 5 years में, और मैन ही चूज करता है किस टाइप के पॉलिटिशियंस होंगे. There is agency there, man के पास choice है किस type का political system generate करता है, ये man के पास choice है, man create कर रहा है उस political system को, right? We the people of India have created that structure, right? लेकिन man क्या है, अपने आप को helpless feel करता है, right? Man अपने आप को helpless feel करता है और सभी politicians को वो corrupt बताता है, right? But it is the man who created this political system. And who can change this, who has the capability to change this political system or economic system, capitalism, and to overthrow it, right? He has to come together, right? But वो क्या बोलता है कि उसके बस की कुछ नहीं है, right? These politicians are corrupt, they will never change. This is a separate, independent, objective reality. It is not within the control of man, rather it controls man. तो political corruption का कुछ नहीं हो सकता, आदमी कुछ नहीं कर सकता है, man feels helpless. Right? सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमोडिटी फेटिसिज्म. तो कॉमोडिटी फेटिसिज्म को मैं 2-3 डायमेंशन से आप देख सकते हो, राइट? फर्स्ट इज कॉमोडिटी फेटिसिज्म, जिसमें क्या है, कॉमोडिटीज आर कंसिडर्ड टू बी एक्सटर्नल एंड सेपरेट टू मैन, राइट?
they are believed to possess some supernatural or mysterious qualities, right? And the social relationship between men are replaced by relationship between things, right? So the underlying jo exploitation hai, poor working conditions, they are hidden to men, right? So relations between men are replaced by relation between things in capitalism, or capitalism mein commodity exchange, market or economic or trade and commerce acquires their own objective external reality and men considers it to be true, right? But this is not true. This is just an illusion. It is an outcome of ideology, right? It is an outcome of ideology which is distorting the reality, right? Which is creating a false consciousness, right? Usme maine false consciousness mention kiya, you should add this term, false consciousness, right? So men knowingly or unknowingly are supporting this exploitation of capitalism because these relations between men are hidden, cloth camouflaged, and all man could see is the relation between things, the relation in the world of commodities, that he believes they have separate existence. Plus men, since they have separate existence, man does not have any power or control over them, right? Due to the process of reification, right? This process was given by George Lukacs, the concept of reification, right? Man believes ki they have separate reality, and this is that they are delinked from man, delinked from man's labor, right? They have separate reality, so man cannot control them, man does not have any power over them, rather man does not have any power over them, so man cannot alter that structure. And all of this is due to this commodity fetishism, which is in turn Marx took this concept from the religious fetishism concept, right? वहाँ से link किया. Third हम इसमें देखेंगे कि it is the commodities which possess power or control over man. In spite of man's character being determined through his labor, right? These characters, man's character, self or personality is determined by how much commodities that man owns, right? Or the material possession that he has, the Rolex watches or the branded clothes or big cars or villa or big houses, that determines the character, personality or self of man, right? So it is the commodities who are controlling men. Man worship or adores these commodities. He adores those iPhones, right? And he believes them that they possess some inherent value, some mysterious qualities which is independent of man, right? Or इसी वजह से ही क्या है, फिर देन यू कुड लिंक इन टू द कल्चर इंडस्ट्री. हेयर यू कुड, दिस इज गिवन बाय क्रिटिकल थियरिस्ट, राइट? क्रिटिकल थियरिस्ट लाइक अडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूज, राइट? आई टॉक्ड अबाउट इन नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी. अडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूज, देन होर्कहाइमर, राइट? मैक्स होर्कहाइमर. They talk about culture industry, and that is how commodities are linked to, are defining the character of man. Someone who is smoking cigarettes is man. If man is considered smoking cigarette, those ko mana jata hai, then he's that macho man, right? If woman is smoking cigarette, then she is considered to be that free, independent, liberated woman. If someone is drinking thumbs up, it means that person is a courageous man. If someone is chewing these pan masalas, that he is considered to be a businessman, gentleman, or a sigma male, right? So this is how the commodities are holding a sway or control over man. They are determining the outcome, future, personality, and status of man in a capitalist system, right? So this is all happening due to the process of reification as well. So reification, multiple large structures generate karta hai, which are essentially an outcome of or product of man, right? So commodities are just like those fetish inanimate objects that were worshipped in religion. Similarly, these commodities were inanimate objects, right? They are delinked from or dissociated from nature, from the labor of man. They have been separated from man, and they are only exclusively reserved or meant for the market, right?